तो रात भर मिसाइलें बरसती रही। रात भर ऐसा मंजर रहा जिसमें कई स्कूल ध्वस्त हो गए, कई ऐसी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट की, जो वहां पर अशांति फैली हुई है और ईरान और इसराइल के बीच में कभी भी कोई बड़ा युद्ध हो सकता है। और अब तो ये भी खबर आ गई है कि वहां पर अगस्त के मध्य से युद्ध की शुरुआत हो सकती है। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये छोटे छोटे हमले एक बड़ा युद्ध का रूप लेने जा रहे हैं, कितने ऐसे देश हैं जो कि अब दो खेमों में बट गए हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मयंक जुड़ गए हैं। मयंक, कहा यह जा रहा है कि अभी तो छोटे छोटे हमले हो रहे हैं लेकिन अगस्त के मिड से बड़ा युद्ध हो सकता है और ये जो पूरी दुनिया है दो खेमों में बढ़ती दिखाई दे रही है, इसराइल और ईरान के बीच के टेंशन को लेकर। देखिए, पिछली दो रातें जो हैं, दो रातों से इसराइल पे ज़बरदस्त रॉकेट और मिसाइल से हमले हो रहे हैं और ये हमले जो हैं ये हिजबुल्ला की तरफ से हो रहे हैं और जो उत्तरी इसराइल का इलाका है यहाँ पे पिछली दो रातों से पूरी रात भर जो है वो रॉकेट से हमले होते रहे और ड्रोन से हमले होते रहे। अब ये हमले जो है हिजबुल्ला की तरफ से हुए हैं और निशाने पे थे इसराइल की पुलिस चौकियाँ, इसराइल के एयरफोर्स के बेस, इसराइल के जो डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं उस पर ये रॉकेट से हमले होते रहे। और खासकर गौर करने वाली बात नीलू ये कि ये बहुत कम समय में, जो हिजबुल्ला का पैटर्न है अटैक का, ये बहुत कम समय में एक साथ खूब सारे रॉकेट्स और मिसाइल से हमला कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो इसराइल का आयरन डोम सिस्टम है जो कि रॉकेट्स बहुत हद तक रोका गया है, उस मिसाइलों को रोका गया है जो आयरन डोम की आप बात कर रहे हैं उससे, लेकिन फिर भी उससे काफी नुकसान हुआ है। ये स्ट्रेटजी है हिजबुल्ला की तरफ से कि एक साथ खूब सारे रॉकेट्स फायर कर दी जाएं जिसकी वजह से आयरन डोम सिस्टम की जो मिसाइल है वो कंफ्यूज हो जाए और उसको पकड़ ना पाए, कैच नहीं कर पाए। इसी के चलते बीती रात भी ये हुआ कि उत्तरी इसराइल पे जो है एक साथ करीब 300-400 रॉकेट्स फायर कर दिए गए, उसके चलते आयरन डोम की एक मिसाइल थी वो उसका निशाने से भटक गई और वो इसराइल के ही ऊपर जो है वो ब्लास्ट कर गई। तो अब बेसिकली अब हो ये रहा है नीलू कि इस पूरे वॉर में, मतलब ये जो एक बड़े वॉर की जिसकी आप बात कर रही हैं कि हमला कब हो सकता है, इसके पहले की एक स्ट्रेटजी बना ली गई है और तय ये किया गया है कि पहले इसराइल पर हिजबुल्ला अटैक करेगा अपने रॉकेट्स के जरिए, मिसाइल्स के जरिए, ड्रोन, चक्रव्यूह की रचना की गई है इसराइल के खिलाफ। बिल्कुल, कि पहले जो है फर्स्ट फेज में हिजबुल्ला के लड़ाके जो है वो हमला करेंगे और निशाने पे क्या चीज़ें हैं, इसराइल की कंपनियां निशाने पे हैं, जैसे फूड कंपनियां हो गई, पावर प्लांट्स हो गए, पुलिस चौकियां हो गई, आर्मी के जो है इंस्टॉलेशन मतलब हो गए, इसराइल की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश शुरुआती तौर पर। इसराइल को करीब 10 लाख करोड़ का नुकसान पहुंचाना है युद्ध शुरू होने के पहले। ये हिजबुल्ला और ईरान की प्लानिंग है कि आप फुल फ्लेज्ड वॉर शुरू करें उसके पहले ही आप इसराइल की कमर तोड़ दें, आर्थिक रूप से उसे कमजोर करें, सैनिक रूप से उसे सैन्य रूप से उसे कमजोर करें, उनके हथियार को तबाह कर दें और जब इसराइल कमजोर पड़ने लगे, मतलब जब वो थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में हो, तब फिर ईरान जो है वो उसके ऊपर हमला करेगा फुल फोर्स के साथ। तो ये अब तक का प्लान जो है वो समझ में आ रहा है। और सिर्फ यही नहीं कि हिजबुल्ला जिस तरह से पहले हमला करेगा इसराइल के ऊपर, उसके बाद ईरान की बारी आएगी, लेकिन यहां सिर्फ इन दोनों की बात नहीं हो रही है, हमास एक और उसके अलावा कह रहे हैं कि जो फिलीपींस है या फिर लेबनान है या फिर सीरिया है, यमन है, ये सब मिलकर कह रहे हैं कि ईरान का साथ दे रहे हैं और ये सब इस हमले में शामिल होंगे। मयंक, ये बड़ी बात है कि अगर इतने सारे देश एक साथ मिलते हैं ईरान के साथ और कई ऐसे संगठन, चाहे हिजबुल्ला की बात की जाए, हमास की बात की जाए, अगर ये सारे मिल गए तो एक छोटा सा इसराइल क्या इन हमलों को बर्दाश्त कर पाएगा? देखिए, अभी जो है इसराइल जो है वो भी इसको कैसे काउंटर करना है इसकी स्ट्रेटजी बनाने में जुटा हुआ है। अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, नेटो की फोर्सेस जो हैं वो इसराइल के साथ हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो अगर हथियारों की बात की जाए, मिसाइल्स की बात की जाए, एंटी मिसाइल सिस्टम की बात की जाए, तो इस लिहाज से इसराइल भारी पड़ता है, अगर क्योंकि अमेरिका का उसको साथ है। तो जो यूरोपियन कंट्री के कई देश हैं जो कि इस वक्त इसराइल के साथ खड़े हैं, फ्रांस हो चाहे ब्रिटेन की फोर्सेस हो, है ना, तो ये इनका समर्थन जब तक इसराइल को है तो हथियारों के मुकाबले में तो इसराइल भारी पड़ता है, लेकिन जब बात होती है फोर्सेस की, ग्राउंड फोर्सेस की, तो उसमें ईरान और जो मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज हैं वो भारी पड़ती है। अच्छा, अभी जो है हिजबुल्ला की तरफ से और ईरान की तरफ से, देखिए इस्माइल हनिया की हत्या के बाद से ईरान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है और अब जो है एक बात निकल के और ये सामने आई है कि हिजबुल्ला और ईरान के निशाने पे जो है वो अब इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं। अब बदला लेने की कई प्लान्स हैं जिन पे काम हो रहा है। तो अब ये कहा जा रहा है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं योव गैलेंट, विदेश मंत्री हैं कार्ड्स और इनकी जो मोसाद है, मोसाद और IDF के जो चीफ हैं हलेवी,
ये चार पांच लोग जो हैं ये भी हिजबुल्ला के निशाने पे हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वॉर फुल फ्लेज्ड वॉर शुरू हो, इसके पहले ये जो बड़े नेता हैं या बड़े अधिकारी जो हैं इनके ऊपर भी असासिनेशन अटेम्प्ट हो सकता है। लेकिन ये है जरूर कि देखिए अगर ईरान अपनी तरीके से तैयारी कर रहा है तो इसराइल भी इसमें पीछे नहीं है। इसराइल की किस तरह की तैयारी है वो भी हम आपको बता दें। जो इसराइल की सेना है उन्होंने भी लगातार पीछे कई हफ्तों से लगातार मिसाइल अटैक किए हैं, जिसमें कई जो लेबनान की जो कई शहर के कई बिल्डिंग्स हैं वो तबाह हुए हैं। और ख़ास तौर पर अगर इसराइल इन सब से भिड़ना चाहता है तो उनकी भी अपनी एक स्ट्रेटजी है, और वो स्ट्रेटजी क्या है कि पहले से आप उनके बड़े बड़े ठिकानों को टारगेट करें, जिसमें लेबनान के कई ठिकाने हैं या फिर ईरान के कई ऐसे ठिकाने हैं। और पीछे हमने देखा मयंक कि रक्षा मंत्री हो या फिर खुद नेतन्याहू हो या फिर सेना प्रमुख हो, वो हर उन ठिकानों पर इसराइल के गए हैं, सैनिकों से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि देखिए हम शांति चाहते हैं लेकिन जब आक्रमण होगा तो हम उससे पीछे भी नहीं रहेंगे। यानी इसराइल भी अपने तरीके से पूरी तरह से तैयारी कर रहा है और अब वो अपने सारे सैनिकों से कह चुका है कि अगर हमें लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे। देखिए इसराइल का स्टैंड बिल्कुल साफ है। इसराइल की तरफ से ये कहा गया है कि अगर हमें इस बात के पुख्ता प्रमाण मिल जाते हैं कि ईरान हमला करने जा रहा है तो इसके पहले ईरान हमला करेगा हम पहले हमला कर देंगे। तो ये इसराइल इसराइल की हमेशा से शुरू से ही पॉलिसी ये रही है कि सामने वाला दुश्मन अटैक करे उसके पहले आप अग्रेसिव हो जाइए। बेंजामिन नेतन्याहू हमेशा से इसी स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं और इसीलिए इसराइल जो है वो इस इस्लामिक स्टेट्स पे सब तरफ से घिरा हुआ है। इसके बावजूद वो सबसे जूझ रहा है, लेबनान, सीरिया, ईरान, इराक, इन सबके सब तरफ से घिरे होने के बाद भी जो है इसराइल जो है वो इन पे भारी पड़ता है। उसकी बड़ी वजह यही है कि उसकी एक तो नीति बहुत आक्रामक है और उसके पास हथियार बहुत ही आधुनिक है क्योंकि अमेरिका उसके सपोर्ट में खड़ा हुआ। तो अब ऐसी स्थिति में देखिए अगर कोई बड़ा युद्ध शुरू होता है तो इसराइल का कहना ऐसा है कि अगर वो इस बात से कन्विंस हो जाता है कि अगर मोसाद को या CIA इस बात के प्रमाण दे देते हैं कि भाई ईरान हमला करने वाला है तो हो सकता है कि हम देखें कि ईरान की तरफ से पहले इसराइल की तरफ से पहले बड़ा हमला हो जाए। अच्छा ये एक बात और है, इसराइल ये पूरी तैयारी कर रहा है कि क्यों ना हम हिजबुल्ला के बड़े जो कहते हैं ना लीडर्स हैं उनको टारगेट करें, हम हमास के बड़े लीडर को टारगेट करें और हमास के अभी जो नए चीफ बने हैं उनको भी टारगेट करने की बात निकल कर सामने आ रही कि इसराइल उनको भी टारगेट कि जल्द से जल्द उनकी भी हत्या कर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसराइल जो है वो मुसाद का काम करने का तरीका यही है कि दुश्मन के जितने टॉप बड़े बड़े मिलिट्री लीडर्स हैं उनको आप निशाना बनाइए। याह्या सिनवर जो हमास के नए चीफ बने हैं वो चीफ बनने के पहले से ही टारगेट पे थे और वो बचते इसलिए रहे क्योंकि उनकी लोकेशन ये जो है मुसाद पता नहीं लगा पा रहा था। बस यही वजह है कि जिसकी वजह से याह्या सिनवर पर अभी पिछले कुछ समय में असासिनेशन अटेम्प्ट नहीं हुआ। तो अब देखिए आप यहाँ पे इस मिडिल ईस्ट में इस वॉर में एक बड़ा युद्ध शुरू हो उसके पहले एक नया जो है वॉर शुरू हो गया है कि जो भी टॉप लीडर्स हैं एक दूसरे देशों के उनको निशाना बनाया जाए, खासकर जो मिलिट्री लीडर्स हैं या खुफिया एजेंसियों के प्रमुख हैं तो दोनों कंट्रीज के एक दूसरे के निशाने पे हैं। तो अब कुल मिला के अभी जो सिचुएशन वहाँ बनती है दिख रही है कि ये जो वॉर है वॉर शुरू हो उसके पहले हिजबुल्ला इसराइल पे हमला करेगा। इसराइल को कमज़ोर करने की प्लानिंग है, चाहे उसकी फूड कंपनियां हो, जहां जो उसका फूड इंस्टॉलेशन है उसके पास जो खाने का सामान है उसको ख़त्म किया जाए, पेट्रोकेमिकल्स जो कंपनी है उसको ख़त्म किया जाए ताकि अगर वॉर होता है तो केमिकल्स पेट्रोकेमिकल्स की ज़रूरत है वो कम पड़ने लगे, पावर प्लांट्स को निशाना बनाया जाए ताकि पावर सप्लाई में बाधा हो। तो एक प्रकार से जो आप चक्रव्यूह कह रही थी वो बिल्कुल उसी तरह से एक चक्रव्यूह तैयार कर लिया गया है कि कैसे पहले हिजबुल्ला अटैक करके कुछ दिनों में जो है इसराइल की कमर तोड़ने की कोशिश करेगा और उसके बाद जब इन्हें ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है तो फिर ईरान हो सकता है अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर एक बड़ा वॉर हो जाए। लेकिन इसी बीच जो है इस वॉर को कैसे टाला जाए इसको लेके भी डिप्लोमेटिक स्तर पे अमेरिका की तरफ से कोशिश जा रही है वॉर की तरफ ना जाए ये देश। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन तमाम बातों से यही निकल कर सामने आता है कि इस वक्त पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है, कभी भी इस पर विस्फोट हो सकता है और सभी को इसी का इंतजार है कि वो दिन कब आएगा। कोशिश यही की जा रही है कि इस युद्ध को, इस टेंशन को यही रोका जाए, लेकिन छोटे छोटे हमलों से यही नहीं लगता कि ये किसी बड़े युद्ध में तब्दील ना होगा। तो इस पर इंतजार रहेगा, इस पर खबरें भी लगातार हम आपको बताते रहेंगे। तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।